ये फोन लोग बहुत बहुत दूर दूर से भी आए हैं। डायरेक्शन दिया हुआ है ये सब, और ये गंगा नदी गंगा नदी में। जगह तो फोटो नहीं वीडियो नहीं कर सकते, सामान मिल जाएगा पूजा वगैरह का सामान, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये दोस्तों हम लोग टिकट ले लिया है, ये सब इंडियन म्यूजियम का अंदर में है, बहुत इंडियन म्यूजियम देखा है, इंडियन म्यूजियम अंदर में मंदिर में ये काटा बलि भी देता है, यहाँ पर वगैरह आला उला सब कुछ है, जो ब्रिटिश था महाराजा था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ हम लोग, फ्रेश व्रेश होके नाश्ता वगैरह करके। तो आज का मतलब कोलकाता में लास्ट दिन है, तो आज कुछ मतलब साइट सीन देखेंगे, 6-7 साइट सीन, जैसे भैलर मोड हो गया, दक्षिणेश्वर हो गया, कुछ ऐसा मतलब। तो गाड़ी आएगा हम लोग को, अभी लेके जाएगा यहाँ से, ये सियालदह स्टेशन से, सियालदह स्टेशन के पास ही हम लोग मतलब होटल ठहरा था। तो चलिए साइट सीन देखते हैं क्या क्या दिखाता है, और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, दबा दीजिएगा। चलिए जाते हैं हम लोग साइट सीन देखते हैं जाके क्या क्या दिखाता है। चलिए उठते हैं, चढ़ते हैं गाड़ी पर। तो दोस्तों हम लोग का गाड़ी आ चुका है, ये तो गाड़ी के अंदर हम लोग मिल देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहला कालीघाट आगे आए हैं, पहले मतलब कालीघाट देखेंगे, तो कालीघाट से फिर दूसरा कहीं जाएंगे। तो अभी कालीघाट थोड़ा घूम लेते हैं अभी, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कालीघाट। तो कालीघाट सामने ही है यहाँ से, तो हम लोग थोड़ा पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ पर आने से थोड़ा संभाल के, पांडा वगैरह बहुत कुछ मतलब यहाँ पर जूता वगैरह रखने के लिए कुछ बोलेगा, तो आप लोग अपना मर्जी से जो करना चाहते हैं कीजिएगा। ये कालीघाट से पूरा लाइन लगा हुआ है अभी पूजा देने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये गेट है, हम लोग अंदर घुसेंगे अभी। ये लाइन से जाने के लिए आप लोग को मतलब पूजा देने के लिए लाइन से जाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी घुस सकते हैं। हम लोग अंदर पहुंच गए, ये कालीघाट का अंदर पे है, फिर से भी लाइन है पूरा। ये कालीघाट मंदिर का अंदर में है, यहाँ शिव मंदिर भी एक है। तो आप लोग दोस्तों लाइन लगा के आने से बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर बहुत लंबा लंबा लाइन होता है। और आप लोग VIP गेट है एक, तो 100 रुपया देने से डायरेक्ट VIP गेट से घुसा देगा, मतलब कालीघाट मंदिर में पूजा देने के लिए वो 100 रुपया लेते हैं। पांडा पकड़ने से हो जाता है, पंडित पकड़ने से भी हो जाता है। तो आप लोग में से आप लोग देख के कैसे आना चाहते हैं पूजा देने सकते हैं। तो दोस्तों ये है VIP गेट, हाँ ये VIP गेट है, और यह से मतलब अंदर पूजा देके निकलता है सब, और ये है VIP गेट। जगह में पूजा वगैरह देता है, और ये मंदिर में ये पाठा बलि भी देता है यहाँ पर। ये कालीघाट का अंदर में है, ये जगह पाठा बोल ही देता है। दोस्तों हम लोग का कालीघाट घूमना हो गया है, अभी जाऊंगा दूसरा जगह पे कहीं पर, तो बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा है कि यहाँ पर, तो साउंड थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो फिर जाएंगे हम लोग दूसरा जगह, पहले जाते कहाँ जाते हैं देखते हैं। ये कालीघाट ना ना আমি তোমাকে বললাম না যে আমি বুক করেছি তোমার মোজার সাথে, যে মোজাটা দিলেই বললাম, মোজাটা এলো, टी शर्ट। दोस्तों अभी हम लोग आके पहुंच गए विक्टोरिया मेमोरियल पे, जो ये मेरे पीछे है विक्टोरिया मेमोरियल। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ से टिकट वगैरह लेते हैं, ले जाते हैं अंदर।
मेमोरियल। तो यहाँ से हम लोग टिकट वगैरह ले लेते हैं। टिकट लो, कार का टिकट ले लो। ये टिकट है विक्टोरिया मेमोरियल का। विक्टोरिया मेमोरियल का बाहर का नज़ारा है, ये इस तरफ मतलब टांगा वगैरह दिखाई देता है सब। देखिए टांगा वगैरह भाई इसमें भी चढ़ सकते हैं आप लोग। और हम लोग अभी अंदर घुसेंगे टिकट दिखा के। तो दोस्तों ये है विक्टोरिया मेमोरियल का अंदर का पार्क। और आप लोग दोस्तों जब टिकट खरीदेंगे तो इस जगह में मतलब आपको दो टिकट है, एक 30 रुपीज़ का टिकट है और एक मतलब 50 रुपीज़ का टिकट है। तो आप लोग 50 रुपीज़ का लेने से तो ये पार्क और विक्टोरिया मेमोरियल का अंदर में जो मतलब घुसने के लिए मिलेगा, और 30 रुपीज़ का टिकट लेने से आप लोग को पार्क में घुमा देगा, बाहर बाहर घूम के आने सकते हैं। और 50 रुपीज़ का टिकट लेने से पूरा अंदर तक मतलब मेमोरियल के अंदर भी जा सकते हैं। यह विक्टोरिया मेमोरियल पूरा हम लोग अंदर भी जाएंगे थोड़ा। तो ये पार्क है। तो दोस्तों ये एंट्री गेट, हम लोग इस तरफ से अभी अंदर जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल का। तो चलिए जाते हैं। और वीडियो करना अलाउ है क्या नहीं पता नहीं, हम लोग पूछ लेंगे अंदर में जाके, अगर अलाउ है तो दिखाएंगे। तो दोस्तों इस जगह पे चेकिंग करके घुसा था, और सामान अगर कुछ होगा, अगर लाइटर वगैरह होगा तो इस जगह मतलब रख लेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पूरा विक्टोरिया मेमोरियल का अंदर पे हैं, तो थोड़ा घूम के यहाँ दिखाएंगे आप लोग को अंदर जाते हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। ये है विक्टोरिया जो मैडम था, इनके नाम पे मतलब ये पूरा बनाया गया ये पार्क और ये म्यूजियम। तो ये सब कुछ मतलब बहुत पुराना पुराना ये सब दिया हुआ है। और ये बहुत पुराना मतलब इन लोग जब जंग लड़ने के लिए जाते थे, तोरवाल वगैरह भाला वाला सब कुछ है, बहुत कुछ देखने के लिए है म्यूजियम पे। देख सकते तोप वगैरह बहुत कुछ। ये ब्रिटिश स्लेव जो ब्रिटिश है, ये भी एक राजा है ब्रिटिश वो जमाने का। हम लोग इस अंदर तरह जाते हैं, देखा हो ये राजा महाराजा का पोशाक जो पहनते थे। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब बड़ा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दिखाई देगा। तो स्किप करके मत दिखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो ये सब देख के आप लोग आ सकते हैं, कैसे आना है क्या करना है सब इसमें दिया हुआ रहेगा। और ये जो ब्रिटिश था महाराजा था, महाराजा का मतलब टोली जो है ये बनाया गया है, पर यहाँ पर फोटो फ्रेम में बनाया गया है। और ये ब्रिटिश का जो बजाता था, ये पियानो है। और ये विक्टोरिया मेमोरियल पूरा मार्बल पत्थर से बनाया गया है, पूरा मतलब मार्बल पत्थर है पूरा। ये सब जैसे देखिए मार्बल पत्थर पूरा ये। तो दोस्तों ये है एग्जिट गेट, हम लोग एग्जिट गेट से निकल जाएंगे अभी। विक्टोरिया मेमोरियल से निकल गए, निकल के हम लोग कहाँ जाते हैं देखते हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर गिरता है। चले जाते हैं आगे और कहाँ जाते हैं आप लोग को दिखाते हैं। ये 2 नंबर था, अभी 3 नंबर होगा। चले जाते हैं आगे। दोस्तों ये है विक्टोरिया मेमोरियल का बाहर का नज़ारा। ये देखिए कितना टांगा लगा हुआ है, आप लोग चढ़ के ये सब चढ़ सकते हैं, घुमाएगा कुछ पर हेड कुछ पैसा लेगा, तो आप लोग ये सब पे भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। चल ये उठा नहीं इतना। मैं इंडियन म्यूजियम पे जाएंगे, तो चलिए जाते हैं इंडियन म्यूजियम पे, तो कैसा क्या दिखाता है आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल से निकल के हम लोग मतलब ये एक ब्रिज है, ब्रिज का उल्टा साइड में ही
यहाँ से मतलब इंडियन म्यूजियम का टिकट वगैरह कुछ मिलता है, हम लोग वो भी ले लेंगे। और खाने के लिए सामान के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर आप लोग को। तो दोस्तों ये है इंडियन म्यूजियम टिकट काउंटर, तो आप लोग को यहाँ से टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा। और कितना टिकट है दिखाते हैं आप लोग को। तो ये दोस्तों हम लोग टिकट ले लिया है, तो टिकट में चार आदमी के लिए चार टिकट लिया, और एक्स्ट्रा मोबाइल के लिए आपको 60 रुपया पे करना पड़ेगा फ़ोटो खींचने के लिए। बहुत पुराना पुराना ये पत्थर कुछ बनाया हुआ है इस पर, तो ये सब ही है अंदर, मूर्ति वगैरह कुछ है ये। ये पत्थर का बना हुआ ना, काट का पत्थर का है ये। तो और अंदर पे है लोग सामान देखिए, बहुत पुराना पुराना मूर्ति है। तो ये सब इंडियन म्यूजियम का अंदर में है, बहुत एनिमल्स में तो ये सब दिखाया देता है। देखिए ये आदमी कैसे बना था, उसका मतलब कंकाल दिया हुआ है। ये शिपाजी बाघ वगैरह बहुत पुराना, तो आगे का ज़माना ये सब बाघ था। ये है जूलॉजिकल, तो ये भी और एक जगह है, तो यहाँ भी आ सकते हैं। ये भी बहुत कुछ देख, म्यूजियम के अंदर में ये भी और एक जगह है, नो स्मोकिंग या स्मोकिंग करना मना है। ये भी एक जगह दोस्तों, इस जगह में मतलब फोटोग्राफी में नट अलाउ है, फोटो मानने नहीं सका। तो इस जगह में है इजिप्ट का बहुत कुछ सामान है, मतलब मम्मीज वगैरह अंदर पे है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैं मानने फोटो खींचने नहीं सका, वीडियो करने नहीं सका, तो आप लोग उस जगह में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये भी एक जगह है जूलॉजिकल, तो इसमें भी मतलब जू का मतलब चिड़ियाखाना जू का जो रहता है सब कुछ इस जगह में है, पंख पक्षी वगैरह बहुत कुछ। चिड़िया मच्छी है सब। अंदर है कपड़ा। तो दोस्तों ये इंडियन म्यूजियम का बाहर का नजारा, बाहर का मतलब एकदम अंदर में, मतलब ये सब बिल्डिंग पूरा बिल्डिंग है। हाँ तो दोस्तों हम लोग इंडियन म्यूजियम देखा है, इंडियन म्यूजियम अंदर पे भी पूरा दिखा है कैसा क्या है। तो आप लोग आइए घूमने के लिए, सब जगह बहुत अच्छा जगह है। तो अभी हम लोग दूसरा जगह पर जाएंगे, चलिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं देखते हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी जगह पे, चलिए आइए। तो दोस्तों अभी हम लोग आके पहुँचा हूँ 4 नंबर स्पॉट, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। तो इस जगह में थोड़ा बहुत दिख के चला जाऊँगा, ज़्यादा देरी करने से मतलब सब स्पॉट दिखाना नहीं होगा, देखना नहीं सकेंगे। दिखता हूँ कितना देख सकता हूँ आज का दिन, तो चलिए देखते दक्षिणेश्वर मंदिर हम लोग, चले आगे बढ़ते। अभी दक्षिणेश्वर मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, तो आगे जाके देखते हो। तो ये दक्षिणेश्वर गेट है, तो इस साइड में पूजा का सामान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इस साइड, और पीछे भी है। तो ये है अंदर में, और ये है मंदिर दोस्तों। तो अंदर में मोबाइल शायद अलाउ नहीं है, देखता हूँ अगर मोबाइल अलाउ है तो फोटो वगैरह दिखाऊंगा।
तो दोस्तों ये गेट है एंट्री गेट। तो यहाँ एंट्री गेट से यहाँ मोबाइल जमा करना पड़ेगा, कैमरा वगैरह सब कुछ कैमरा जमा करके। और यह है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये तो मोबाइल वगैरह जमा कर देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, इतना ही दिखाते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, जल्दी जल्दी घूम के जा सकते हैं यहाँ से। और ये है दक्षिणेश्वर मंदिर एग्जिट पॉइंट, यहाँ से निकल के आते हैं सब। मंदिर का नज़ारा, बाहर का नज़ारा है सब। तो दक्षिणेश्वर मंदिर का अंदर में ये गंगा स्नान करते हैं, ये गंगा नदी है इसे देखिए, ये है गंगा नदी। अरे आगे बढ़ो, यहाँ पर सब नहा हुआ के गंगा का पानी छोके, ये है गंगा नदी, थोड़ा पानी छोके आते हैं गंगा नदी में। तो गेट के अंदर से मतलब अंदर एंट्री करके, तो मतलब पहले प्रसाद वगैरह खरीदने के लिए आप लोग इस जगह में आना पड़ेगा। तो सब दुकान का नंबर दिया हुआ है 58, 28, 26, 1 से 100 तक नंबर दिया हुआ है। तो ये सब जगह में आकर आप लोग प्रसाद खरीद के फिर पूजा देने के लिए जा सकते हैं। ये सब दुकान में आप लोग को सब कुछ सामान मिल जाएगा, पूजा वगैरह का सामान। और दोस्तों आप लोग दक्षिणेश्वर मंदिर देख चुके हैं अभी, और ये दक्षिणेश्वर मंदिर देख के दूसरा जगह कहीं जाएंगे, और कहाँ जाते हैं देखते हैं। गाड़ी है हम लोग का रुका हुआ, तो चले जाते हैं आगे, और कौन सा स्पोर्ट देखते हैं, चले जाते हैं आगे। तो गंगा जा पानी भी ले गया गंगा का दक्षिणेश्वर मंदिर से, अभी आगे बढ़ते काम है तो नहीं काम। हम लोग आके पहुँचे हैं बेलूर मठ में, जो कोलकाता में है बेलूर मठ। तो अंदर जाके देखेंगे हम लोग, और ये मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है ये सब, तो हम लोग डायरेक्शन देख के अंदर घुसेंगे, चले जाते हैं अंदर क्या है देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का कुछ मतलब म्यूजियम टाइप है, तो वही देखेंगे। तो अंदर घुसते ही नज़ारा ऐसा है, इस तरफ देख सकते हैं, देखिए। तो यह है सदानंद भवन, रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। जगह तो फोटो नहीं वीडियो नहीं कर सकते, तो कोई कोई जगह ये सब टिकट काउंटर मतलब टिकट खरीद के घुसना पड़ेगा, और अंदर मतलब फोटो अलाउ मना है, तो नहीं कर सकते हैं। ये अंदर म्यूजियम टाइप है कुछ। और आगे बढ़ते हैं, ये लेडीज जेंट्स टॉयलेट वगैरह ये सब है, यूज कर सकते हैं आप लोग आने से यहाँ। तो अंदर ये आप लोग इस जगह में जूता वगैरह रख के, ये शूज जूता आप लोग छोड़ रख के अंदर घुस सकते हैं पूरा। तो ये जूता वगैरह रखने का जगह है, और मेन मंदिर है वो, ये पूरा अंदर में है। ये बुक स्टॉल है रामकृष्ण का, जो बुक कृष्णा। बहुत बड़ा है, बहुत म्यूजियम है यहाँ देखने के लिए। और ये यहाँ भी गंगा नदी बह रहा है सामने से, और ये गंगा नदी देखिए, व्यू कितना सुंदर है, कितना मजा है व्यू। तो बेलूर मठ में मतलब जूता चोरी होता है बहुत, जो शूज छोड़ के जाता है तो चोरी हो जाता है। तो इस जगह में मतलब कोई आदमी पकड़ा गया है जूता चोरी करते हुए, तो वही मतलब, तो सावधान से आप लोग दोस्तों आइएगा, जूता उत्ता चोर बहुत रहता है।
बोलो चले गए मारधर करें ना बस दिस साइड मतलब माँ शारदा देवी जो था उसका टेम्पल है मंदिर है। तो आप लोग दोस्तों इस जगह में बहुत लोग आते हैं और बाहर बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, फॉरेनर लोग भी आते हैं, देख सकते हैं ये फोन है, लोग बहुत बहुत दूर दूर से भी आए हैं सब। तो दोस्तों हम लोग बेलूर मठ भी देख लिया और जाएंगे किस जगह देखता हूँ अभी कहाँ लेके जाता है जो गाड़ी लेके आए हम लोग। तो आप लोग इस जगह भी बेलूर मठ में आने से सावधान रहिएगा, जूता वगैरह चोरी होता है, जूता वगैरह आप लोग कोई सिक्योरिटी जगह में देके जाइएगा, जैसे तैसे छोड़ के मत जाइएगा, कोई भी चोरी करके लेके, बुरा बच्चा सब बहुत तो है यहाँ चोर। तो चले मिलते हैं दूसरा जगह जाके, कहीं जाते हैं कहाँ जाते हैं देखते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। बड़ो बाजार सियालदह स्टेशन के ठीक सामने ही आप लोग को मार्केट मिल जाएगी, शंकर स्टेशन का मार्केट। इस जगह में सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग, खाना से लेके सब कुछ। ये एक जगह मतलब इस ब्लॉग में दिया हूँ कि चूँकि आप लोग को मार्केट दिखाना था। 150 150 तो मार्केट का भीड़ देखिए दोस्तों, कितना भीड़ है। और इस साइड में मतलब फूड वगैरह लस्सी खाने का सामान भी बहुत है, एक से एक फूड मिलेगा आपको यहाँ पर, सब सस्ता फूड है। शर्ट बैग वगैरह लेडीज बैग जेंट्स सब कुछ मिलेगा। और हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, इस तरफ जाते हैं दोस्तों। सियालदह मार्केट का भीड़, ये पूरा सेंटर है पूरा, इसलिए इतना भीड़ है। तो आप लोग इस जगह में आ सकते हैं मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। ऐसे तो दमदम धर्मतला में बहुत बड़ा मार्केट है और बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार ये सब में बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है। और इस तरफ मतलब खाने का भी है, देखिए इस तरफ कपड़े का। तो आप लोग कहीं से भी बाजार मार्केट कर सकते हैं। ये सियालदह पूरा टाउन एकदम स्टेशन से बगल में ही है, होटल वगैरह भी सामने में है। हम लोग जिस होटल में रहा हूँ थोड़ा देर में दिखाऊंगा आपको वीडियो में। हर तरह का सामान मिल जाएगा इस जगह पे, मोबाइल रिपेयरिंग का। हम लोग यहाँ जूता वगैरह सब कुछ मिल जाएगा एकदम कम रेट में। खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, स्ट्रीट फूड और आपको वेजिटेबल नॉन वेज सब कुछ मिलेगा, चाउमीन वगैरह सब कुछ मिलेगा इस जगह में। सर ए वो सर दिखाए तो
कुर्ता पंजाबी सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। हर तरह का सामान मिलेगा यहाँ पर। कम हो ना नाइटी तीन टा नीले फिक्स प्राइस की नाइटी कुर्ती सब्जी देखे सब्जी काट के बिक्री होता है यहाँ पर गोटा ले नहीं सकते काट के बिक्री भी होता है। ये है फूल मार्केट और हावड़ा ब्रिज के नीचे में बहुत बड़ा फूल मार्केट है इस जगह पे। तो ये सियालदा में ये फूल मार्केट दोस्तों। सियालदा मार्केट सीधा ओवर ब्रिज जो ऊपर को दिखाई दे रहा है सियालदा स्टेशन इससे नीचे से सीधा आके तो ये सब बहुत सारा होटल है तो आप लोग होटल में आराम से रह सकते हैं। तो चीप रेट में इसमें यहाँ पर होटल मिल जाता है बहुत सुंदर सुंदर होटल है इंटरनेशनल गेस्ट हाउस हाँ PKG और इस तरफ भी है लॉज साधना लॉज और भी बहुत है सानी लॉज कोलकाता टूरिस्ट प्लेस देख के कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। इंडियन म्यूजियम विक्टोरिया मेमोरियल सियालदा मार्केट एक मार्केट भी दिखाया आप लोग को तो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही टेक केयर बाय बाय अच्छा से रहिए सुस्त रहिए और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे और अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहूंगा आप लोग के लिए और बहुत वीडियो देखेंगे आप लोग तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत अच्छा से रहिए।